शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बोला था दिखाएगा हाथी, निकली चीटी। चीटी? लगता है मामा जी की उम्र हो गई रे बाबा। ये कैसा आदमी लेके आया तू? हाँ, चीटी मामा जी क्या बोल रहे, पागल है क्या आदमी? ए चाबी दे, चाबी दो, चाबी दो, ये लीजिए। अरे दाहिने हाथ से दो, ये लीजिए। कुल मिलाकर खर्चा? हाँ मालूम है मुझे, मालूम है। कुल मिला के खर्चा आपका 10,452.55 और 99 रुपए आपके रिक्शा के। बराबर बराबर याद है आपको? अरे हाँ भाई, मुझे किसको कितना देना है, कितना लेना, सब इस बोरिए के अंदर लिखा हुआ। और एक बार ये रोड पे गड़ा कर चलना शुरू हो जाए तो मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा, आपके पैसे आपके ऑफिस पहुँचा दूंगा। आप भी ठीक करके देता हूँ। हाँ ठीक। ए ढीले, जरा डीजल डाल। अभी इसने पेट भर के डीजल डाला मैंने, फिर तो प्रॉब्लम नहीं। आप भी ठीक करके देता हूँ। ए लोड कर। हाँ। जरा स्क्रू ड्राइवर दे रहे, जल्दी दे, जल्दी दे। ये लो, ये लो। आप भी ठीक करके देता हूँ। हाँ। प्रॉब्लम क्या है? इधर से तो कुछ नहीं दिख रहा। ए माकड़ तो अंडचिया, ये चालू हो जाएगा ना, सपट हो जाएगा, पापड़ हो जाएगा। हट बाजू में, हट रे, हट। किधर जाने का पत्ता बोल, पत्ता बोल। ए हरामी, उधर उधर, तुम में से कोई भी नहीं आएगा समझे ना, सब लोग चल के आएंगे, इसलिए मैं चढ़ूंगा ऊपर। चलो, बंद क्यों हुआ? चल, अरे जब भी ऊपर चढ़ता बंद क्यों कर देते हो? कहाँ से पकड़ के लाया इसको? ये जब भी तू चढ़ता है ना, ये बंद होता है। पनौती उतर, उतर नीचे, उतर। अब भी ठीक करके देता हूँ। आप भी ठीक करके देता हूँ। अभी मालूम पड़ा मेरे को प्रॉब्लम क्या है। स्पार्क प्लग में लोचा है। ए लोंडकर जी, डिब्री खोलने का पाना दे मेरे को। ये लो। अरे मैं तो पूरा काला हो गया यार। तो तू जब इधर आया था तो कौन सा गोरा था? अभी ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, गियर बॉक्स टूट गया। अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ, अभी ठीक करके देता हूँ। जब से अभी ठीक करके देता हूँ, कब करेगा ठीक? गिर गर्दन घाट का नाम सुना? अरे वो कहानी मैं बाद में सुना दूंगा, आप जाके काम करो। कौन सी कहानी है? अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। क्या है? इसका पूरा गियरबॉक्स बाहर निकालना पड़ेगा। गियरबॉक्स? फिर तो बहुत वक्त लगेगा। ये तो रोलर को खांदे बोलो, लास्ट के वहां लेके जाओ। रोलर ला खांदे और हुंदा की रे माला भी जतरा लगे। बंद कर, करना क्या बोलो? अरे मैकेनिक को बोलो और पूरा गियरबॉक्स बाहर निकलवाओ। ये जो बोल रहा है ना, करो। वो वेल्डिंग मशीन में लेके आना, चार पांच खड्डा गिर गया उसको भरने का है। भाऊ जो बोलते कर। और कुछ चाहिए? दो तीन चाय, एक वड़ा पाव, बिरयानी बोल दे। हवा मेरे को इसकी तरह बराबर लग रही है, पर ये पहिए अगर हम निकल सके तो मालूम पड़ेगा कि इसकी इधर लोचा क्या है।
लगता है इसका एक एक पार्ट है ना काट के इधर से लेके जावे वही अच्छा है। अरे लौंडकर। हाँ भाई। अरे जरा गियर बॉक्स में घुस के देख चूहा या घोरपट तो नहीं घुस ले उधर। सब देख लिया उधर। अरे गंगिया अरे इसमें देख कॉर्पोरेटर है कि नहीं देख ये थोबड़ पे क्या लाइट मार के बैठा ये दाढ़ी बना के तेरा सलून में बैठे हट 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 लाइट मार उधर तेरा लाइट मार। ओ भाई साहब एक मिनट जरा। हाय वे बराबर देख रहे उधर क्या चाहिए। कुछ नहीं चाहिए सुबह के 4 बज गए अब कब तक काम खत्म होगा। आप भी ठीक कर रहे हो तो अभी तो हाथ में है बस यही लाइन सुनते हैं अभी आ हाथ में चलना एक काम कर मेरे जांगे पे बैठ जा। अभी तक तुम इसे लेकर गए नहीं। आपने कुछ कहा। मैंने कहा अभी तक तुम इसे लेकर गए नहीं। अगर मैं इसे लेके गया होता तो ये यहाँ पड़ा होता। ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। हाँ है। और अभी हमारी प्रॉपर्टी पर पड़ा है। अगर इसे यहाँ से इसी वक्त लेकर नहीं गए तो मजबूरन मुझे हर घंटे इसका भाड़ा तुमसे वसूलना पड़ेगा। हुकुम करिए भिजवा देते हैं। नहीं नहीं मैडम हम अभी का अभी इसे ले जाते हैं। और अगर नहीं ले गए तो दिन का 10,000 रुपए भाड़ा। 10,000 क्यों 10,00,000 भिजवा देते हैं अभी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी आपकी। भाड़ा नहीं भरा तो हम लोग रोड रोलर पर कब्जा कर लेंगे समझे। अभी बहुत हो गया करके दिखाइए देखते हैं। हाँ हाँ मैं भी देखती हूँ। हाँ दिखाइए डर गए क्या डर गए क्या। और अगर नहीं ले जा सकते तो लकड़ियाँ लाके इसे यहीं जला के हड्डियाँ गंगा में बहा देना कम से कम पुण्य तो मिलेगा। साले जब से तेरा थोबड़ा देखा तब से तू बोलता है अभी ठीक करके देता हूँ अभी ठीक कर देता हूँ ये कभी ठीक करेगा। इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। मेरे पे भरोसा नहीं तो हमारा 5,034 रुपए हमको दे दो और हमको छोड़ दो। 5,034 रुपए किस बात के लिए। इसकी माँ बहन करने के लिए। इसकी माँ बहन करने के लिए नहीं ये सब परिवार खोल के इधर रखने के लिए समझा क्या। किसने बोला था खोलने के लिए किसने बोला था खोलने के लिए किसने बोला था। ले 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 सुना क्या ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। नहीं भाई साहब मेरी गलती है। मेरी गलती है। मिनट देखो लड़ाई झगड़ा करके यहाँ तमाशा मत बनाओ है। एक तो ये सरदर्द है दूसरा तुम दोनों सरदर्द हो। ये लोग आए थे इनको जरूरत की नहीं फिर जो हो गया सो हो गया कैसे भी करके इसको यहाँ से बाहर निकालो। पहले इस पागल को बोले इसे ठीक करके बाहर ले जाए। किसको बोला पागल कौन पागल मैं पागल। किसको बोला पागल मैं पागल। नहीं मैं पागल नहीं नहीं मैं पागल मैं पागल नहीं नहीं मैं पागल। एक मिनट एक ही तरीका है क्या है इसे अपने सर पे उठा के लेके जाऊं। भाव हम इसको हाथी से खिंचवा लेते हैं। और खर्चा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं और खर्चा नहीं कर सकता। और खर्चा नहीं सुनो इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मैं जाता हूँ हाथी लेकर आता झगड़ा नहीं हाथी।
सेठ जी, सेठ जी क्या है? सेठ जी आपको कुछ बताना है। क्या बताना है? मुझे कुछ पैसे चाहिए। किस लिए? कल रात को मेरी माँ बेहोश हो गई, मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया, कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल, तो उन्होंने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओ, एक मिनट। हेलो हेलो, हाँ रेणुका, खाने में क्या भेजोगी? अरे नहीं, चपाती मत भेजना, चावल भेजना, चावल। हाँ ठीक है, हाँ उसे। एक मिनट, लाइन पे खड़ी रहे, लाइन पे रहे, लाइन पे रहे। हेलो, हाँ रामचंद्र जी, हाँ बोले बोले। हाँ आपकी लिस्ट मिल गई है, मैं जरा ये चेक करके देखता हूँ दुकान में सामान है कि नहीं। हैं, लाइन पे रहिए, लाइन पे, एक मिनट लाइन पे। गोपी हाँ, जरा ये चेक कर सामान है कि नहीं दुकान में। हैं, जल्दी कर, बता मुझे बता। हाँ भाई, तेरी माँ बेहोश हो गई। हाँ, बेहोश हो गई, हॉस्पिटल लेके गया, ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने बोला 5 बोतल खून चाहिए, तो ब्लड बैंक से 5 बोतल खून खरीद के जब वापस आया तो उन्होंने बोला 5,000 रुपए काउंटर पे भरने पड़ेंगे। तो 5,000 रुपए जब काउंटर पे, छोटे के लिए चाहिए, अपने पास बड़े के लिए? अच्छा, छोटे के लिए नहीं है। हेलो, देखो छोटे के लिए नहीं है, बड़े के लिए चलेंगे। हैं, चावल में केले कैसे मिलाओगे? अरे अरे रेणु रेणु, तुम हो, तू रामचंद्र के साथ वहां क्या कर रही हो? हैं, अरे एक काम करो, चावल के साथ अंडा करी भेज दो, ठीक है? और लाइन पर रहो, लाइन पर रहो। हेलो, देखो छोटे केले नहीं है, अंडा करी है, भेज दूं? अरे नहीं नहीं रामचंद्र जी, क्षमा जाता, मेरा मतलब छोटे केले नहीं है, बड़े केले हैं, चलेगा? हैं, हाँ ठीक है, चलेगा। हाँ हाँ, लाइन पर रहो भाई। उफ सेठ जी, हाँ तेरी माँ बेहोश हो गई। कभी? अरे तूने बोला ना कल रात को तेरी माँ अस्पताल में बेहोश हो गई। यार तू, मेरी माँ बेहोश हो गई। अच्छा, तेरी माँ बेहोश हो गई? मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया, भरने के लिए 5,000 रुपया नहीं थे, तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया, वो बोला मेरे पास सिर्फ 4,000 रुपया। मैंने बोला 4 तोला? पेंट का 5 किलो का डिब्बा नहीं है, 10 किलो का है, चलेगा? अच्छा पूछता हूँ। सर जी, मेरी बहन की शादी है, मेरे को पैसे चाहिए प्लीज। रुको एक मिनट। हेलो रामचंद, 5 किलो की शादी नहीं है, 10 किलो की शादी, चलेगा? शादी की बात कौन बोला? अबे साले, तू अभी बोला ना शादी करनी है तेरी बहन की, तू बोला? सर जी, मैंने बोला मेरी बहन की शादी, मेरी बहन की शादी। तूने बोला? सॉरी। पेंट। हाँ पेंट का 10 किलो का डिब्बा है, चलेगा ना? हाँ ठीक है, तो लाइन पे रहो, बताता हूँ अभी। हाँ चलेगा, भेज दे। हाँ भाई, हाँ तो तू, तेरी माँ की शादी? मेरी माँ बेहोश हो गई। शादी की बात मैंने की थी। तो तेरी माँ की शादी? मेरी माँ की नहीं, मेरी बहन की शादी है। अरे यार, अभी तू बोला तेरी बहन बेहोश हो गई, मेरी माँ अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने पैसे मांगे। ओ हो, ये क्या कंफ्यूजन है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। किसकी माँ? ताला नहीं है अपने पास। है? ताला नहीं है अपने पास, खाली कड़ी है। हाँ तो ठीक है, मैं बोलता हूँ उसको। हेलो, हाँ कड़ी है। अंडे में कड़ी कैसे डालूं? अरे रेणु को, तू है क्या? लाइन पर है, एक मिनट। ओफो, हेलो रामचंद, ताला नहीं, अंडा है, भेज दूं क्या? कड़ी चलेगी? है, हाँ तो ठीक है, कड़ी भेजता हूँ। लाइन पर उसको भेज दो ना भाई। हाँ भाई, तेरी समस्या क्या है? सेठ जी,
मेरी बहन की शादी है सेठ जी, मुझे पैसे चाहिए से, मैं कुछ भी गिरवी रखने को तैयार हूँ सेठ जी। गिरवी तू? हेलो हेलो रेणुका, जरा लाइन पे रहना, बताता हूँ। रामचंद लाइन पे रहना, बताता हूँ। हाँ तो तू अपनी माँ को अस्पताल में गिरवी रखे आया। बेहोश हो गई, अस्पताल ले गया, खून खरीदा, डॉक्टर को पैसा दिया। अरे तो तेरी प्रॉब्लम क्या है? ऑपरेशन हुआ, माँ मर गई। हेलो रेणुका, तूने जो भी तैयार किया ना भेज देना। हाँ ठीक है। अच्छा हाँ तो भाई, तेरी बहन मर गई। मेरी बहन मरी नहीं है, उसकी शादी है। आपको पैसे देने दो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, बकवास सुनने नहीं है आपके यहाँ। अरे जा, कितना अकड़ रहा है, कितनी बार उधार ले चुका है तू, है? अब अकड़ के जा रहा है अभिमानी, इसका घमंड देखो। अरे गोपी, इसको पकड़ो साले को, कमीने को छोड़ना मत। कितनी बार उधार लेकर गया है, अकड़ रहा, रावण की औलाद है कमीना साला। तो तेरी माँ बेहोश हो गई। बेहोश हुई तेरी माँ, बाहर में जाए तेरा पैसा, बाहर में जाए नौकरी, बाहर में जाए तू, मैं जा रहा हूँ। अबे ए तात्या, उधर ले गया। ओए मार चल, फटकर रोड के बीच में यहाँ पे। ए रुको रे रुको, ए आप यहाँ खड्डा नहीं खोल सकते। ए तू खंड रे, मुझे देखना है तूने कितना डांबर डाला है, नापना। अरे लेकिन अगर आपको देखना है तो साइड में देखिए, यहाँ देखिए। वो मैं देख लूंगा, मुझे कहाँ देखना है। ए तू खंड रे, अरे कितनी मेहनत से ये रोड बना, आप इसे खराब नहीं कर सकते। तूने कितना खराब काम किया है ना, वही चेक। ए तू खंड रे, एक काम करो, बड़ा सा खड्डा खोदो और मुझे उसके अंदर ठूस के गाड़ दो और वहां लिख दो डांबर से, सचिन टिचकुले रोड बनाते बनाते शहीद हो गए। लिखो, बहुत पहले करना चाहिए था, देश तो बच जाता। कहना मैडम देखिए, ये रोड के बीच में बजरी और रोड़ी दोनों दिखाई नहीं दे रही है। अरे आप ध्यान से देखोगे तो दिखाई देगा ना। उसके लिए दूरबीन लेना पड़ेगा। अरे मैंने कसम से अंदर डाली है। नहीं नहीं, हो सकता है सब जमीन के अंदर धस गया हो। ए? साले कितनी बार बोला था रोड रोलर ज्यादा मत चला, दब गया ना मसाला, कसम से मैंने डाली है। ये देखिए मैडम, ये टारकोल के नीचे सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी भरी। बड़ी शर्म की बात है, आपने निरीक्षण नहीं किया जब वो काम कर रहा था। इसी तरह देश की सड़कें खराब बनती है, घिन आती है मुझे। बारिश का एक झपटा भी आया ना, ये सारी सड़कें नदियां बन जाएंगी। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस कॉन्ट्रैक्टर को जो भी काम दिया है वो बंद होना चाहिए। गनपुले मैडम, गनपुले मैडम, मेरी बात सुनिए, मेरे वर्करों का क्या होगा, मेरे बिल का क्या होगा, मेरे चेक्स का क्या होगा? मैडम मैडम, ये सब नहीं चलेगा, इस तरह की धोखेबाजी बंद करनी पड़ेगी। ए, जाके ये सब किसी गधे को सुनाना। वही कर रही हूँ। बहुत घमंडी हो गई है तू, जबान संभाल के बात करो। तू मुझे नहीं जानती है, टपोरी हूँ मैं, मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मेरे लिए तो आसमान छत है और जमीन घर है। याद रखना, जली को टिचकुले कहते हैं और बुजी को गणपुले कहते हैं। तू कोई भी होगा, टिचकुले या पिचकुले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम आप रहने दीजिए ना, लफंगे के मुंह मत लगे। ए, चल गाड़ी जाओ। चल जीजू बीजू घर पे चल, तो मैं भी देखता हूँ यहाँ से घर कैसे जाते हैं। चले ए रंगीला, गाड़ी बैक करके ले गए। अरे